टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दर्शकों के अपार प्यार की बदौलत एक बार फिर से जी राजस्थान ने अपनी धाक का लोहा मनवाया है। 90% मार्केट शेयर पर जी राजस्थान ने कब्जा किया है। 10% में प्रदेश के बाकी सारे चैनल सिमट गए हैं और गांव से लेकर शहर और ढाणी तक जी राजस्थान का डंका बज रहा है। 90% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पोजीशन पर जी राजस्थान का कब्जा। जी राजस्थान एक बार फिर से तमाम दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। आप सभी के भरोसे और प्यार की वजह से जी राजस्थान 90% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर कायम। 4 चैनलों को 10% के मार्केट शेयर पर जी राजस्थान ने समेट दिया और अब 90% मार्केट शेयर पर कब्जा है जी राजस्थान का। टीआरपी में बादशाहत यहां पर जी राजस्थान की, तो 10% पर सारे चैनल से यहां पर सिमट गए। टीआरपी बादशाहत बरकरार यहां पर जी राजस्थान ने रखी है। जी राजस्थान एक बार फिर से नंबर 1। गांव ढाणी की तमाम खबरें हो उनका एक ही ठिकाना प्रदेश में जी राजस्थान। तो 10% पर सारे चैनल सिमटे, 90% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर जी राजस्थान। जी राजस्थान के तमाम दर्शकों का प्यार जिस तरीके से जी राजस्थान को मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विरोधियों को भी सांस लेने का अधिकार है, कृपया उसका ध्यान रखें। आप मारे नहीं, सबको जिंदा रहने दें। नहीं सर, हम तो अपोजिशन का मजा तभी आता जब आपका अपोजिशन जिंदा होता है, तो आप जीतते रहें लेकिन विरोधियों को इस प्रकार से ना मारें। जी राजस्थान को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं मनोज सर, हमारे एडिटर, वो हमारे साथ आगे। सर बहुत मेहनत, क्योंकि मुश्किल वक्त से भी जी राजस्थान गुजरा, और जैसा हमारे एडिटर जो सीईओ पुरुषोत्तम सर ने भी कहा कि इसे तो रौंदना कहते हैं बाकी चैनल्स को। सुमित, ऐसी टीआरपी मैंने तभी देखी है किसी चैनल की जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच होता है। मैं कहूंगा कि ये इससे बड़ा हम लोगों के लिए कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता हमारे दर्शकों के तरफ से। और ये सारी मेहनत इस टीम की है जिसके बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सारी मेहनत उस टीम की है जिसने फील्ड में जी जान लगा के काम किया है। तमाम दर्शकों का इस पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस विश्वास के साथ इस अपने अभियान को आगे चलाते रहेंगे कि आपका ये प्यार हमें लगातार मिलता रहेगा। टीम की जीत है, और कोरोना काल में जिस तरह से हमने मेहनत की उसका नतीजा है ये। हमारे लिए आंकड़ा बेशक चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 90% का मार्केट शेयर बहुत बड़ी बात है, ये आज तक इतिहास में शायद ही नहीं हुआ कभी। तो आगे के लिए हमारी यही रणनीति रहेगी, हम इस 90% के जो मार्केट शेयर है इसको बरकरार रखें और पूरी मेहनत के साथ दर्शकों के विश्वास पर खरा उतरें। 10% में 4 चैनल सिमट कर रह गए हैं। ये है जी राजस्थान न्यूज का रुतबा, बादशाहत जिसे कहते हैं। टीआरपी में एक बार फिर से जी राजस्थान न्यूज की जो बादशाहत है, जो धाक है, बरकरार है। आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके भरोसे की वजह से एक बार फिर से हम नंबर 1 हैं। हमारे लगातार प्रयास की वजह से, जिस तरीके से हमने खबरें दिखाई हैं, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण अंचल हो, हर जगह जी राजस्थान न्यूज का बोलबाला है। और इसीलिए आपके प्यार, आपके विश्वास की वजह से एक बार फिर से जी राजस्थान न्यूज नंबर 1 हो चुका है। खबरों में दम, सबसे आगे हम, इसीलिए हमारा ये स्लोगन है। ये देखिए 90% मार्केट शेयर पर अकेले आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज का कब्जा है, और 10% में सारे चैनल सिमट कर रह गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, ये जो प्यार है, विश्वास है, उसका ग्राफ देखिए आप, कितना अंतर है और चैनलों में और हमारे चैनल। टीआरपी में जो बादशाहत है 2013 से निरंतर बरकरार है। एक बार फिर से आपके प्यार की वजह से, आपके विश्वास की वजह से हम अपने बादशाहत पर कायम हैं, और ये सब हुआ है आपके प्यार की वजह से।
10% पर सारे चैनल सिमट कर रह गए हैं। टीआरपी में बादशाह बरकरार है, सारे जो चार चैनल हैं 10% में सिमट चुके हैं। तो राजस्थान ने, जी राजस्थान ने अपनी धाक जो है वो बरकरार रखी है। 90% मार्केट शेयर पर जी राजस्थान ने कब्जा किया है। 10% में प्रदेश के बाकी सारे चैनल सिमट गए हैं। गांव से लेकर शहर और ढाणी तक जी राजस्थान न्यूज का डंका बज रहा है। ये है आपका प्यार, आपका विश्वास, और इसीलिए एक बार फिर से हमारी बादशाहत बरकरार है। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और ऐसे ही हम खबरें समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। टीआरपी में बादशाहत एक बार फिर से बरकरार है, और जिस तरीके से हम खबरें दिखाते हैं, लोकल से हाइपर लोकल हुए, डिजिटल में जिस तरीके से हमने प्रदर्शन किया है, सोशल मीडिया पर जो खबरें हम परोसते हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, और लोग इसीलिए इस चैनल से जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि कई सारे माध्यम हैं इस चैनल को देखने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपका टेलीविजन हो, हर तरह से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। दूर दूर तक इसकी जो प्रसार है वो फैला हुआ है, और इसे देखने के लिए बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल पर भी बुलेटिन देख सकते हैं, हमने ऐसा भी प्रावधान किया है आपके लिए। तो गांव से लेकर शहर और ढाणी तक जी राजस्थान न्यूज का डंका बज रहा है और लगातार बजता रहेगा। हमारा आपसे ये वादा है कि बस अपना प्यार ऐसे ही, विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके लिए खबरें समय पर, विश्वसनीय भरी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, और वो खबरें जो आपके सरोकार से जुड़ी हैं, वो खबरें जो आपके लिए हितकारी हैं, इन खबरों को आप तक हमेशा ऐसे ही निरंतर पहुंचाने का काम करते रहेंगे। नब्बे फीसद मार्केट शेयर पर अगर एक चैनल का कब्जा है तो वो है जी राजस्थान न्यूज, और बाकी सारे राइवल चैनल्स कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे हैं। 10% में सारे जो चैनल हैं वो सिमट कर, चार चैनल जो हैं वो सिमट कर रह गए हैं। तो ये है अटूट विश्वास, ये अटूट प्यार का प्रतीक, जिस तरीके से आपने प्यार परोसा है, प्यार जो जताया है, विश्वास भरोसा जो आपने जताया है, वो हम टूटने नहीं देंगे। हम लगातार ऐसे ही आपके लिए खबरें पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है अब कहीं ना कहीं अब बढ़ जाती है, ये जिम्मेदारी का एहसास हमें हो रहा है कि आप हमें ऐसे ही प्यार नहीं करते हैं, हमारी खबरों की विश्वसनीयता की वजह से आपका जो प्यार है वो बना हुआ है, और हम भी ये जो अटूट विश्वास है टूटने नहीं देंगे। चार चैनल, सोचिए चार चैनल जो कहीं आसपास भटक भी रहे थे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये है हमारी बादशाहत, ये है हमारा अटूट विश्वास आपके दिलों में, और हम वादा करते हैं आपसे कि आप तक खबरें ऐसे ही पहुंचाने का काम करते रहेंगे, बिना डरे बिना खौफ के, सीधी और सच्ची खबरें, जो आपके सरोकार से जुड़ी खबरें हैं, वो खबरें आप तक ऐसे ही निर्भीक होकर पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि अब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि अब हमारी जिम्मेदारी अब वो नहीं रही, अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो प्यार जो विश्वास है वो जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है, और इसीलिए जो अटूट विश्वास लगातार पिछले 9 सालों से बरकरार है, वो ऐसे ही आगे भी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। हमारा आपका जो सफर है वो ऐसे ही चलता रहे, जो विश्वास है आपका वो ऐसे ही बना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से हमारी टीम ने मेहनत की है, हमारी टीम का जो उत्साह है वो देखिए आप, आपके प्यार की वजह से ये टीम भी उत्साहित है। और इस वक्त हमारे चार सहयोगी जुड़ रहे हैं, उदयपुर से अविनाश, और जोधपुर से अरुण, और जयपुर से
विष्णु जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। होली तो कल है, लेकिन आज हमारे लिए होली का दिन है। आज हम खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद टीआरपी आई, और जो टीआरपी आई तो हमारी जो बादशाहत है वो बरकरार है। चार जो चैनल थे वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 90% मार्केट शेयर पर जी राजस्थान न्यूज का कब्जा है। बताइए दर्शकों में क्या है प्रतिक्रिया इसको लेकर? बिल्कुल कमर, ये ठीक है कि अब होली कल है, दुलंडी जिसमें रंगों का त्यौहार है, और आज उससे पहले जी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ पर 90% टीआरपी के साथ जी राजस्थान सबसे पहले पायदान पर है, या कह सकते हैं कि जितने तमाम चार चैनल हैं उनको रोनते हुए यहाँ पर पहले हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक भी खड़े हैं। जी राजस्थान लगातार दिखाता रहता है, क्या कहना आपका? जी राजस्थान काफ़ी अच्छा चैनल है, मैं भी उसको खुद लाइव देखता हूँ। और मैं मंत्री जाहिदा खान जी के निजी सहायक हूँ, और हम ज़्यादातर न्यूज़ जी राजस्थान पे ही देखते हैं। बिल्कुल, ये मंत्री जाहिदा खान जी के यहाँ निजी सचिव हैं, और ये कह रहे हैं कि लगातार ये जी राजस्थान देखते रहते हैं। जी राजस्थान गांवों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि आप दौरे करते रहते हैं लगातार। जी हम धौलपुर में दौरा किया था, तो वहाँ पर भी हमसे जी के संवाददाता मिले थे, काफ़ी हमारा उनसे परिचय हुआ, और उनको हमने न्यूज़ भी दी थी सर। हाँ बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ग्रामीण स्तर तौर पर भी जी राजस्थान की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है, या यूँ कह सकते हैं कि आज बुलंदियों पर छूटी है, क्योंकि जहाँ चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जी राजस्थान का चैनल जो है परचम है वो दिखाता है। जो खबरें हैं उनमें सबसे आगे रहते हैं, लगातार कोई भी खबर हो, ब्रेकिंग हो चाहे मानवीय स्टोरी हो, उन तमाम बातों को मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ते हैं, और लगातार पूरा पीछा करते हैं जब कोई खबर होती है उसका सच तक पहुंचने का। और यही कारण है कि जो गांव से शहर तक लगातार खबरें देखी जा सकती है। अभी हम बाज़ार में खड़े थे, और बाज़ार में भी जो दर्शक है जिनसे बात हुई इस मुद्दों को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि हम लगातार जी राजस्थान देखते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि सुदूर धौलपुर से लेकर यहाँ बांसवाड़ा हो चाहे और अन्य जोधपुर हो चाहे जयपुर हो, तमाम जितने शहर गांव ढाणी है वहाँ पर जी राजस्थान देखा जा रहा है। कमर, तो बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर सेलिब्रेशन बरकरार है, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। आप जिस तरीके से ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरीके से जूझ जूझ कर खबरें पहुंचाते हैं, आप लोगों की भूमिका भी बड़ी है। आप लोग बने रहिएगा, और जो बादशाहत है, जो जिम्मेदारी है हमारी, अब बढ़ गई है, अब हमारी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हो रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे